गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी भैया। सर हमारी कंपनी ने ना ये एक एंटी एजिंग प्रोडक्ट निकाला है। अच्छा, इसको अगर आप एक बार यूज करेंगे तो आपके सारे रिंकल्स दिखने बंद हो जाएंगे। वाह, एक ही बार में? बिल्कुल सर, आपको बस इसको सोने से पहले एक बार लगाना है, सुबह सारे रिंकल्स गायब। ठीक है, दे दो फिर। ओके सर, लीजिए। ठीक है। हेलो यार, आपकी क्रीम तो खत्म होने को आ गई, 10 दिन हो गए मुंह पे घिसते, कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे सर, हो गई ना गलती, ये क्रीम मुंह पे थोड़ी लगानी थी, शीशे पे लगानी थी, तभी तो रिंकल्स आपके नहीं दिखेंगे। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। बढ़ती उम्र से बचा नहीं जा सकता, लेकिन सुंदर कौन नहीं दिखना चाहता। बढ़ती उम्र को रोका भले ही ना जा सके, लेकिन आप एजिंग के साइंस इन 5 तरीकों से डिले जरूर कर सकते हैं, जिनका वर्णन आयुर्वेद के ग्रंथों में तो है और जिन पे अब मॉडर्न साइंस ने भी अपनी मोहर लगा दी है। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। एंटी एजिंग आजकल एक मार्केटिंग बज़वर्ड बन चुका है। कंपनियां बस आपको ये विश्वास दिलाने में लगी हैं कि किसी एक क्रीम लोशन को लगाने से आपकी एजिंग रुक जाएगी। ये सच नहीं है, इतना आसान होता तो बात ही क्या थी। 5 ऐसे प्रूवन तरीके हैं जिससे एजिंग सच में स्लो हो जाती है। स्टार्ट करते हैं नंबर 5, ब्रीदिंग से। अपने बिजी शेड्यूल से सिर्फ 1 मिनट निकालो और चेक करो कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। आजकल की भाग दौड़ वाली लाइफ में ऑन एन एवरेज एक इंसान 18 बार सांस लेता है। भारत के ऋषि मुनियों ने देखा कि हमारी सांस की गति का हमारी आयु के साथ एक गहरा संबंध है। ये बाकी जीव जंतुओं के लिए भी लागू है। जैसे एक बंदर को ही ले लीजिए, 1 मिनट में 32 बार सांस लेता है, जिस वजह से बड़ा बेचैन रहता है और उम्र भी 25 साल तक होती है। वहीं एक कछुआ जो 1 मिनट में सिर्फ 4 बार सांस लेता है, वो 300 साल तक जी लेता है। शास्त्रों के अनुसार अगर हम सही तरीके से सांस लें तो अपनी सांस की गति को स्वतः ही धीमा कर सकते हैं। सही तरीके से सांस लेने का मतलब फेफड़ों की क्षमता के अनुसार गहरा सांस लेना। क्या आपने कभी किसी नवजात शिशु को सांस लेते देखा है? कैसे हर सांस पे उसका पेट ऊपर नीचे होता है? यही सही तरीका है जिससे सांस लेने की गति तो अपने आप कम हो ही जाती है, बल्कि बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन भी पहुंचती है, और बॉडी में ऑक्सीजन की कमी से ही सारी प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है। फिर चाहे वो झुर्रियां हो, डार्क सर्कल्स हो, बालों का झड़ना, रात को सोने में दिक्कत या फिर डिप्रेशन, यहाँ तक कि बाकी क्रॉनिक डिजीज भी ऑक्सीजन की कमी से ही हावी हो जाते हैं। मॉडर्न साइंस ने भी रिसर्च कर यही निष्कर्ष निकाला है। ऐसा पाया गया कि रेगुलरली सिगरेट पीने वालों की सांस की गति अपने आप ही तेज हो जाती है, जिससे टेंशन बढ़ती है और आयु कम होती है। तो क्वेश्चन यही उठता है कि कैसे अपनी सांस की गति को धीमा किया जाए। 2 बहुत इफेक्टिव तरीके हैं, प्राणायाम और मेडिटेशन। आप 10 मिनट अनुलोम विलोम करके देख लो, आप पाएंगे कि आपकी सांस की स्पीड स्लो हो गई है। ऐसा ही मेडिटेशन करने के बाद भी होता है। रोज करने से धीरे धीरे हमारी ब्रीदिंग रेट कम होने लगती है, सांस गहरी होती जाती है, ऑक्सीजन बढ़ने लगती है, जिससे एजिंग के सिम्टम्स तो साफ होने ही लगते हैं, उम्र भी लंबी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फलेस सर्विस। आप सोच रहे होंगे कि एंटी एजिंग का सेवा भाव से भला क्या लेना देना। बहुत बड़ा कनेक्शन है दोस्तों। ये तो आप मानेंगे ही कि कोई कितनी ही क्रीमें क्यों ना लगा ले, कितने ही स्पा क्यों ना करवा ले, अगर इंसान अंदर से खुश नहीं है तो चेहरा बेजान सा ही लगता है। और मन को खुश करने के लिए सेल्फलेस सर्विस यानी सेवा भाव का बहुत बड़ा योगदान है। चरक संहिता में इसका स्पष्ट वर्णन है। मॉडर्न साइंस ने 3000 लोगों पे 50 साल तक स्टडी करी तो पाया कि जिन लोगों ने दूसरों की सेवा की वो ना सिर्फ लंबा जिए, बल्कि उनके चेहरे भी ज्यादा तेजवान और खुश मिजाज थे। वो कहते हैं ना कि अच्छा काम करोगे तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। हमने खुद जब किसी जरूरतमंद की मदद करी तो अंदर असीम शांति पाई है। आप जितना लोगों के काम आएंगे, आप देखेंगे कि उतना ही आपको फायदा हो रहा है। इसलिए जब भी मौका मिले लोगों की हेल्प करने से ना चूकें, फिर चाहे वो आपके सगे संबंधी हों या फिर अनजान।
नंबर 3 पे है रसायन फूड्स। आयुर्वेद में एजिंग को स्लो करने के लिए रसायन चिकित्सा का निर्देश है। जल्दी एजिंग का मेन कारण है बॉडी में बढ़ा हुआ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। भारत के महान ऋषियों ने पाया कि कुछ ऐसे रसायन फूड्स हैं जिन्हें अगर विधि पूर्वक लिया जाए तो ये एजिंग के सिम्टम्स को कम करने में मदद करते हैं। आंवला, गिलोय, अश्वगंधा, शतावर, बाला और ब्राह्मी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। त्रिफला, जो आंवला, हरड़ और बहेड़ा से बनता है, उसने USDA के ओरेक्स स्केल यानी ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी स्केल पे पहला स्थान पाया है। एक स्टडी में अश्वगंधा और गिलोय प्री मेच्योर एजिंग को कम करने के लिए उपयोगी पाए गए। इसी तरह से च्यवनप्राश, ब्रह्म रसायन और शतावर भी रसायन चिकित्सा के अंदर आते हैं। आप इनमें से किन्हीं एक या दो का चयन कर अपनी रेगुलर डाइट में 2 महीने तक ले सकते हैं। जैसे रात को सोने से पहले 1 ग्राम त्रिफला पानी में मिलाकर ले सकते हैं। सर्दियों में रोज 1 चम्मच च्यवनप्राश खा सकते हैं। दूध में 0.5 चम्मच अश्वगंधा या शतावर का डालकर पी सकते हैं। आंवला को बॉईल कर खाने के साथ अचार के रूप में ले सकते हैं। 2 महीने में ही आपको अपनी स्किन और हेयर में तो बेनिफिट दिख ही जाएगा, हेल्थ में भी बड़ी वृद्धि होगी। नंबर 2 पे है फास्टिंग। प्री मेच्योर एजिंग को रोकने के लिए अगर कोई चीज सबसे ज्यादा इफेक्टिव है तो वो है फास्टिंग। यही वो तरीका है जिससे शरीर में जमी पुरानी गंदगी खुद ही बाहर निकलने लगती है, जिससे चेहरा ओजवान हो जाता है। साइंटिस्ट ने पाया कि जिन चूहों ने महीने में 2 बार फास्टिंग की, वो ना सिर्फ 11% ज्यादा जिए बल्कि उनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रही। लेकिन फास्टिंग का मतलब भूख से तड़पना नहीं है, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देना ही लंगनम है और यही परम औषधम है। इस पर जब शोध हुआ तो निष्कर्ष निकला कि जब कभी भी जीव अपने कैलोरी इनटेक को 30% कम करता है तो उसकी उम्र भी 30% बढ़ जाती है। एंटी एजिंग है ही क्या, यही ना कि हमारे जो सेल्स हैं वो जल्दी खराब ना हो, यही तो फास्टिंग से होता है। जैपनी सेल बायोलॉजिस्ट को इसके लिए नोबल पुरस्कार से नवाजा गया क्योंकि उन्होंने ये सिद्ध किया कि फास्टिंग से बॉडी में जितने टॉक्सिक सेल्स होते हैं वो खत्म होने लगते हैं। शरीर का जड़ से कायाकल्प होने लगता है, जिस वजह से वेट लॉस, बेटर डाइजेशन, बेदाग त्वचा, लंबे घने बाल और मेंटल एबिलिटी अपने आप ही इम्प्रूव हो जाती है। फास्टिंग इतनी पावरफुल है कि DNA के डैमेज को स्लो कर देती है, जिससे एजिंग तो स्लो हो ही जाती है। इसलिए अपनी खुशी से फास्टिंग को अपनाएं। इसके बहुत लेवल्स हैं, जो भी चुने फायदा ही होगा। दोस्तों, क्योंकि हमारी डाइजेशन सूरज पर निर्भर है, अगर आप सिर्फ सूरज के ढलने पर खाना बंद कर दें, इतने से ही आपको चेहरे पे ग्लो दिख जाएगा। नंबर 1 पे है सेलिबेसी यानी ब्रह्मचर्य का पालन, मतलब अपनी काम इंद्री को अपने वश में रखना। सबसे लंबी आयु वाले इंसान स्वामी शिवानंद ने अपनी लंबी उम्र का श्रेय दिया नो सेक्स, नो स्पाइसेस और डेली योगा को। मॉडर्न रिसर्च ने भी यही पाया कि जो लोग सेक्स में बहुत ज्यादा इंडल्ज नहीं होते, उनकी उम्र लंबी होती है और एजिंग के साइंस भी कम दिखते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्मचर्य सिर्फ अनमैरिड के लिए ही नहीं, बल्कि मैरिड कपल्स भी संयम रखकर ब्रह्मचर्य का फायदा ले सकते हैं। इससे शुक्र धातु का क्षय नहीं होता, जिससे इंसान का यौन आकर्षण, सुंदरता, जोश, हर्ष, स्वास्थ्य और रचनात्मकता स्वतः ही बढ़ने लगती है। मैंने इसके फिजिकल और मेंटल बेनिफिट्स आपसे पहले भी डिस्कस किए हैं। सो दोस्तों, ये थे वो 5 तरीके जिससे आप अपनी एजिंग डेफिनेटली स्लो कर सकते हैं। 5ों ना भी फॉलो कर सको तो किसी एक से ही स्टार्ट करो और आप देखेंगे कि फायदा होने ही लगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। बाकी अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा फेस ऑयल सजेस्ट कर दो जो नेचुरली स्किन का ग्लो बढ़ाए, तो चेक कर सकते हो आयुगा का 100% कुमकुमादी स्किन रेडियंस फेस ऑयल। लेकिन यही फेस ऑयल क्यों, पैक को घुमा के देखो और आप पाएंगे कि ये एक ऑथेंटिक फॉर्मुलेशन है जो बनी है केसर, चंदन, बकरी के दूध और 20 जड़ी बूटियों से, जो चेहरे का ग्लो बढ़ाती हैं। ग्रंथ का नाम भी मेंशन किया हुआ है। यूज करने के लिए थोड़ा सा लेकर मसलें और चेहरे पे लगा लें। कंपनी की रिकमेंडेशन है कि आप एक स्पेशल पोस्चर में इसे लगाएं। अपनी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के लिए मशहूर ये नेचुरल मॉइस्चराइजर है सभी स्किन टाइप्स के लिए। आयुगा का USDA ऑर्गेनिक, आयुष लाइसेंस्ड, मेड सेफ और क्रूएल्टी फ्री 100% कुमकुमादी स्किन रेडियंस फेस ऑयल खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलें, जिससे आपको मिलेगा 20% ऑफ। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।